मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि कंगना रनौत जिस तरह के बयान देती आई है अब उनके बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत एक सांसद है, ऐसे में उन्हें जिम्मेदारी के साथ कोई भी बयान देना चाहिए। नरेश चौहान ने कहा कि कंगना रनौत ने 1800 करोड़ के पैकेज का जिक्र किया, लेकिन वह पैकेज कहां और किसको मिला इसका कोई पता नहीं है। ऐसे में इस 1800 करोड़ की मदद का कोई कागज लेकर आए। नरेश चौहान ने कहा कि कंगना रनौत ने मौके पर जाकर जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी की है वह उचित नहीं है। सांसद होने के बावजूद वह निराधार आरोप लगा रही है। नरेश चौहान ने कंगना को नसीहत देते हुए कहा कि सांसद बनने के बाद उन्हें निराधार आरोप लगाने से बचना चाहिए। देखिए, अभी आपदा जो आई है निश्चित तौर पे कुल्लू जिला में और रामपुर का कुछ एरिया था, समेज में जो कुछ हुआ बहुत दुखद घटना हुई। एक रात के अंदर काफी लोगों ने अपनी जानें गंवाई, चाहे बागी पुल की बात करें, समेज में पूरा गांव बह गया, पूरे परिवारजन, परिवार के परिवार खत्म हो गए, और मंडी में भी घटना हुई। ये बहुत दुखद था जिस तरह से लोगों ने अपने परिजन खोए, और आप समझें कि 2 घंटे के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। उनके घर की बात करें, खेतों की बात करें, और नुकसान जहां सरकारी संपत्तियों को भी काफ़ी हुआ। अब वहाँ के जो MP हैं उनका पहले बयान आता है कि मुझे मना किया गया कि मैं अपने उस इलाके में ना जाऊँ। अगर वो सही था, उन्होंने वो बयान दिया था, मैंने सोशल मीडिया पे देखा, तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो लोगों के बीच ऐसे समय में खड़ा होना चाहिए वो इस तरह की बात करें कि मुझे वहाँ जाने के लिए मना किया गया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये जो उनका स्टेटमेंट था। और दूसरी बात मैं कहूं कि जहां तक कंगना रनौत जी की बात है, उनके जो बयान होते हैं पिछले दिनों से, चाहे वो पार्लियामेंट के दौरान हो या अभी हो, इससे पहले हो, मैं समझता हूं लोग अब उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं।